हमारे पास अभी कोई निमंत्रण नहीं आया है। सर, संसद में जो उनका घेराव का फैसला है वो क्या सही है? प्रजातंत्र में संसद के घेराव का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। मूलतः लोग जो हैं वो जब किसी बात संसदीय सत्र में दो चार घेराव करने की बात होती है, इसमें नया क्या है? सरकार ने रामदेव के आंदोलन को नजरअंदाज किया और पहले अन्ना के, उसी तर्क पर चलिए सरकार मूलतः बाबा रामदेव के आंदोलन को या अन्ना हजारे के आंदोलन को नजरअंदाज नहीं कर रही है, वो तो जनहित और लोगों की जो भावनाएं हैं उनको नजरअंदाज कर रही है। सर, मुंबई वालों का जो पुलिस कह रही है कि बिल्कुल साजिश के तहत इस आंदोलन को आयोजित किया गया था, उसमें सर पाकिस्तानी झंडे भी लहराए गए और पुलिस नहीं इसमें साजिश की क्या बात है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि असम के अंदर असम के लोगों पर, स्थानीय जनजाति के लोगों पर विदेशी घुसपैठियों ने आके आक्रमण किया और आपकी सहानुभूति जो है, जो अपने ही देश के निवासी हैं उनके साथ नहीं है, आपकी सहानुभूति जो है जो वहाँ विरोध कर रहे थे उनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो विदेश से घुसपैठ करके आए और यहाँ के लोगों में आक्रमण किया। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा जिसे कहना कि शर्मनाक बात यह है कि ये जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर दल कहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस बात की निंदा करें, इसका विरोध करें। सब के सब चुपचाप बैठे रहे और इस मामले में मौन रहने का अर्थ होता है इन लोगों को मौन समर्थन देना। थैंक यू सर।